मैं नरेश रागानी स्वागत करता हूँ आपका हॉराइजन नेट न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री उमा भारती पहुंची धर्मनगरी पुष्कर, ब्रह्मा जी सहित पवित्र सरोवर को पूछ कर लिया आशीर्वाद। कहा नदी तालाब व धार्मिक सरोवर की सफाई का बीड़ा खुद उठाए लोग। गाय को खिलाया एक साधु से लिया हुआ गुड़ और रोटी। उमा भारती रहेगी दो दिन अजमेर में। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए। उमा भारती के पुष्कर पहुंचने पर संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और भाजपा नेता अरुण वैष्णव ने स्वागत किया। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद उमा भारती ने पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना की। इस दौरान उमा भारती ने पत्रकारों से बात करते हुए कई विषयों पर अपनी बात कही। राम मंदिर से जुड़े एक सवाल के जवाब में उमा भारती ने कोर्ट के आदेशों को हवाला देते हुए कहा कि अभी जमीन के स्वामित्व को लेकर कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। राम के मंदिर के निर्माण के सारे रास्ते स्पष्ट हैं, सिर्फ माननीय कोर्ट में एक बात का फैसला होना है। क्योंकि राम मंदिर के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन क्या थी, वो ये थी कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि यहाँ राम पैदा हुए थे कि नहीं। हमारा पूरा जो आंदोलन था वो इसके लिए था कि ये राम जन्मभूमि है, और पूरे हमारे विरोधी कहते थे कि नहीं ये राम जन्मभूमि नहीं है। लेकिन 2010 सितंबर में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजिस की बेंच का फैसला आ गया कि बीच का जो डोम है वो रामलला का है, यानी वो राम जन्मभूमि है, उसके बाद हमारा आंदोलन का कार्य असल में पूरा हो चुका है। अब बात आ गई है स्ट्रक्चर के निर्माण की, मतलब जो बलिदान हुए उसके पीछे वो सार्थक हो गए, अशोक सिंगल की तपस्या सार्थक हो गई, और जितने भी लोगों की वहाँ शहादत हुई है और हम सब ने जो भाग लिया उस आंदोलन में, उन सब की तपस्या सार्थक हो गई उसी दिन जिस वक्त ये फैसला आ गया कि ये राम जन्मभूमि है। अब बात आई कि वर्तमान में लैंड का ओनर कौन है। अब बात यहाँ अटकी हुई है कि जो वर्तमान की स्थिति है वो क्या है, वो ये है कि उस जमीन का मालिक कौन है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक है या राम जन्मभूमि न्यास उसका मालिक है। अब ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है। डिस्प्यूट ऑफ लैंड का फैसला मैं नहीं कर पाऊंगी, जनता ने फैसला कर दिया और कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वो राम जन्मभूमि है। अब बात रह गई है माननीय कोर्ट की, जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जाएगा मंदिर के निर्माण का रास्ता निकल जाएगा। गंगा सफाई से जुड़े सवाल के जवाब में उमा भारती ने कहा कि पीएम मोदी ने गंगा सफाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को सौंप दी है। गंगा सफाई को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सीवरेज को नदियों से नहीं जोड़े, सीवरेज को नदियों से जोड़कर बहुत बड़ी भूल की गई है। उमा भारती ने लोगों से आह्वान किया है कि वो नदियां, तालाबों, सरोवर की सफाइयों का बीड़ा खुद उठाएं। माननीय नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री जी ने एक काम सौंपा है और मेरे को नितिन गडकरी जी ने अपने साथ एसोसिएटेड रखा है, शामिल रखा है। मैं गंगा के बारे में आपको एक बात जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी भी एक प्रकार से गंगा की मंत्री हूँ ही, क्योंकि स्वच्छता मंत्रालय में गंगा की स्वच्छता भी आती है। अब वो मैं ये बताऊंगी कि इसको हम हल्केपन से नहीं ले सकते गंगा के काम को, हमें इसमें बहुत परिवर्तन करने पड़े। क्योंकि हमें लग रहा है कि नाला गंगा में गिर रहा है, लेकिन वो नाला आ कहाँ से रहा था? उस नाले को बंद करने के लिए अगर हमने STP लगाई ट्रीट करने के लिए, तो अगर मान लो हमने जैसे बंगाल में 100 करोड़ का STP खड़ा हो गया, लेकिन शहर का नेटवर्क उससे जुड़ा हुआ नहीं था, नल कनेक्शन उससे जुड़े हुए नहीं थे, तो परिणाम यह निकला कि वो STP खड़ा रह गया और वो बकरियां बांधने के काम आया। इसलिए हमें नेटवर्क शहर का देखना पड़ा, सीवर का नेटवर्क देखना पड़ा, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास था। ऐसी जो कठिनाइयां आई हैं उसमें अंत में वो स्टार्ट हो गया काम, और मैंने सुना है कि आज प्रधानमंत्री जी 1-2 STP का शिलान्यास करने जा रहे हैं। मेरे अपनी ज़िंदगी में सबसे कठिन चुनौती थी गंगा की योजना बनाना, उस योजना में राज्यों का सहयोग लेना और 7 केंद्र के मंत्रालयों का सहयोग लेना, फिर कैबिनेट की मंजूरी करवाना, फिर उस पर 20,000 करोड़ का अलॉटमेंट होना, फिर उस अलॉटमेंट के मुताबिक योजना बनाना, फिर योजना की DPR बनाना, फिर DPR को टेंडरिंग में डालना, टेंडरिंग में CVC और CAG के नियमों का ध्यान रखना, ये सब होते होते अंत में गंगा की शुरुआत हो ही गई है। आज मैं ब्रह्मा जी को शायद इसलिए प्रणाम करने आई हूँ क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल से ही तो गंगा निकली है। आप सब गंगा के, आपके कमंडल से गंगा निकली है। परसेंटेज वगैरह हम नहीं गिनेंगे इसमें, नदियों में परसेंटेज नहीं होता, नदी फ्लो होती है, आप समझ गए ना, नहीं फूलों का कोई परसेंटेज नहीं होता। हमने ये कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। हमने ये भी बात की कि गंगा में जो मछलियाँ हुआ करती थी वो मछलियाँ जब उसमें नहीं भरेंगी तो समझ लीजिए 100% यही नदी की पहचान है, वो मछलियाँ होती हैं। क्या कॉमन सिविल कोड और आर्टिकल 370 अभी भी भाजपा के मुद्दे हैं या अब नहीं है? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं बोलूंगी, भारतीय जनता पार्टी खुद बोलेगी, ठीक है? और बताइए, पूछो।
दूसरी नदियाँ भी हैं वो काफ़ी अशुद्ध हो रही है, कई सरोवर हैं वो काफ़ी गंदे हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब दूंगी और इसके साथ ये बातचीत खत्म कर दूंगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया के आस्थावान लोगों से अनुरोध है कि अपने धार्मिक नदियों को, अपने धार्मिक स्थानों को, अपने धार्मिक तालाबों को साफ करने के लिए सरकार से एक भी पैसा मत मांगिए, अपने हाथ से साफ करिए और ये प्रयास करिए कि वो गंदे ना हो, एक साथ दोनों काम करिए। साधु संतों के बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, पंडाल लगता है, बाद में कूड़ा नहीं रहना, ये जिम्मेवारी उन्हीं संत जी की है, ये जिम्मेवारी उन्हीं अनिवार्यों की है जो उसमें भाग लेने के लिए आते हैं। भंडारे होते हैं, भंडारे के बाद दोना पत्तल और पॉलीथीन नहीं पड़ी मिलना, ये संत जी का काम है और संत जी के अनुयायियों का काम है, कूड़ा भी खुद बटोर करके लेकर के जावे। इसी प्रकार से धार्मिक तालाबों को साफ रखना, पूरी दुनिया में हिंदू समाज के लोग शादियों में खर्च कर रहे हैं 10-10, 20-20 करोड़ बेटियों की शादियों में, वो ना करें बल्कि एक एक तालाब, एक एक नदी का किनारा। मैंने तो गंगा पर तय किया था कि मैं गंगा में सिर्फ STP पर पैसा खर्च करूंगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर, क्योंकि वो सरकार की भूल थी कि सरकार ने सीवेज नेटवर्क को नदी की तरफ जाने दिया, सीवेज की गंदगी को नदी की तरफ जाने दिया। उस भूल का प्रायश्चित किया हमने 20,000 करोड़ रुपए से, जिसमें से 8,000 से जो पुराने बन रहे थे उनको पूरा करने का तय किया और 13,000 से हमने नए स्ट्रक्चर को खड़ा करने का तय किया। लेकिन घाट बनाना, किनारे को साफ रखना, ये तो हिंदू समाज का काम है, ये उनको करना चाहिए, इसके लिए सरकार का मुँह नहीं देखिए। आप सिखों से सीखिए, वो पैसे वापस कर देते हैं कि हमें सरकार से पैसे नहीं चाहिए। सरकार का काम है सड़क बनाना, बिजली बनाना, सरकार का काम है पानी देना, सरकार का काम है सरकारी अस्पताल में दवाई देना, सरकार का काम है सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई देना, वो सरकार का काम है अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देना। लेकिन मंदिर साफ रखो, पूजा घर साफ रखो, नदियों के धार्मिक किनारे साफ रखो, तालाबों को मोदी जी आकर के साफ करें, ये तो हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है, उनको खुद काम ये करना चाहिए। उमा भारती पवित्र सरोवर की पूजा कर वापस अपनी गाड़ी में बैठने जा रही थी तो वहाँ एक गाय आ गई। एक भाजपा नेता द्वारा गाय को वहां से हटाया गया, ये बात उमा भारती को नगवार गुजरी। उमा भारती ने गाय को पुकारा, जब गाय उमा भारती की पुकार पर नहीं आई तो उमा भारती खुद ही गाय के पास चली गई। उमा भारती ने वहां मौजूद लोगों से गाय के लिए कुछ लाने को कहा तो कुछ लोगों ने बिस्किट आदि लाकर दिए। उमा भारती ने गाय को अपने हाथों से बिस्किट खिलाए। इसके बाद उमा भारती ने लोगों से रोटी और गुड़ लाने को कहा। सभी रोटी और गुड़ लाने के लिए इधर उधर दौड़े लेकिन गुड़ और रोटी नहीं मिली। इतने में वहां से गुजर एक साधु ने अपने थैले में से रोटी व गुड़ निकालकर उमा भारती को दिया। उमा भारती ने गौ माता को गुड़ व रोटी खिलाई। उमा भारती ने साधु को दक्षिणा प्रदान की। 7 घंटे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ रहेगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। मेड़वाला स्टेट होटल में करेगी जनसंवाद। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगा राज्य का दरबार। लोकसभा उपचुनाव के निकट आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री एक के बाद एक विधानसभा क्षेत्र में बड़ी बड़ी बैठकें लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से खुद मिल रही है, उनसे राय ली जा रही है, उनके सुझावों पर गौर किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को मुख्यमंत्री एक बार फिर अजमेर आ रही है। मुख्यमंत्री दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलेगी, इस दौरान जनसंवाद भी होगा, विभिन्न समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात करेगी। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से अनीता भदेल विधायक है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दौलतबाग के पास स्थित होटल मेरवाड़ा स्टेट में लोगों से मिलेगी। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जिला प्रशासन और भाजपा नेता दिन भर तैयारियों में जुटे रहे। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी कल 15 तारीख को अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए अजमेर पधार रही है। इससे पहले भी लगातार पिछले 3.5 वर्षों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का अजमेर आवागमन होता रहा है और जितनी बार भी मुख्यमंत्री जी अजमेर आई तब तब अजमेर को कुछ ना कुछ सौगात जरूर देकर गई है। अजमेर से मुख्यमंत्री जी का बहुत गहरा जुड़ाव है और उसी क्रम के अंदर कल जनसंवाद का कार्यक्रम भी होगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तरीय बड़ी बैठक का आयोजन हमने किया। इससे पहले अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र का भी एक बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम पिछली 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का हो चुका है। उसी कड़ी के अंदर कल जनसंवाद रहेगा, समाज संवाद रहेगा और उसके बाद हमारे बूथ अध्यक्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर रूबरू होगी। कल हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी का अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा है। कल मुख्यमंत्री जी समाज के विभिन्न वर्गों से और पार्टी के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से खुला संवाद करेगी और आने वाले जो लोकसभा का उपचुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर के आम जन से भी मिलेगी। 556 बालिकाओं को बांटी फैंसी ड्रेस। प्योर द लोटो फाउंडेशन ने दिया दीपावली का तोहफा। 31 वृद्धों को बांटी सहयोग राशि। प्योर द लोटो फाउंडेशन की ओर से दीपावली से पूर्व 556 बालिकाओं को फैंसी ड्रेस दी गई।
ड्रेस बांटने के लिए आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा फाउंडेशन फ्योर दी लोटो की संस्थापिका मारा संद्रा पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पार्षद संस्था के सलाहकार सोमरत आर्य पार्षद मंजू शर्मा पार्षद शिवस्वरूप मार्ची ने भाग लेकर बालिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर 60 परिवारों को खाद्य सामग्री व 31 बुजुर्गों को पेंशन प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि फाउंडेशन फ्योर दी लोटो कई वर्षों से पुष्कर व आसपास की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। इस संस्था में अध्ययनरत बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों सहित अभिभावक भी उपस्थित थे। उनका जो कार्य का विवरण अभी जो प्रस्तुत किया गया, सोमरतन ने जो कार्य बताया, वास्तव में वो कार्य कई योजनाओं को अंतर्गत आते हैं और योजनाओं के क्रियान्विति के रूप में जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें पुनः बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। इतना बड़ा सुंदर नारा है, वो केवल इस नारे को नहीं, वास्तव में यहाँ उसकी क्रियान्विति करके बता रहे हैं। और जब 2003 के अंदर संस्था यहाँ बनी, केवल 42 बालिकाओं के साथ में उन्होंने इस कार्य को शुरू किया और आज वो शायद 556 बालिकाओं को यहाँ पर जिस तरह से शिक्षाएं दे रहे हैं, और केवल शिक्षा ही नहीं, उनके आगे के सोच के साथ में जब यहाँ से बालिकाएं शिक्षा लेकर बाहर निकलती हैं, और अगर कोई किसी नर्सिंग ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, बीएड करना चाहती हैं, उनका खर्चा भी ये लोग बीयर करते हैं। और केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ में उनके पूरे खाने पीने की सब व्यवस्थाएं, और जैसा बताया कि आज तक उन्होंने 17 मकान बना करके ऐसी बालिकाओं को उनके परिवार को दिए हैं, और उनका लक्ष्य 101 ऐसे मकान बनाकर देने का जो लक्ष्य है, उसके लिए तो बहुत ही, मैं कहूँ जितनी बार उनको धन्यवाद दें, जितनी बार उनके प्रति साधुवाद दें, वो बहुत कम होगा। और ऐसी संस्था अजमेर के रहने वाले जितेंद्र के साथ हुई ऑनलाइन ठगी, SBI के क्रेडिट कार्ड से ठगों ने निकाले 20,000 रुपए। पुलिस के पास शिकायत लेकर गया तो पुलिस ने कहा कि ये तो तुम्हारा फॉल्ट है। अजमेर के रहने वाले जितेंद्र नाम के युवक को किसी ने ऑनलाइन ठगी का शिकार बना लिया। उसके क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपए निकाले गए। हुआ यूं कि जितेंद्र के पास मुंबई से किसी का फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को SBI बैंक के कर्मचारी बताया। उसने जितेंद्र से उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के कहते हुए उससे क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड मांगा। जितेंद्र ने उसके कहे अनुसार पासवर्ड दे दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही देर बाद जितेंद्र के मोबाइल पर 20,000 रुपए निकालने का मैसेज आ गया। जितेंद्र का आरोप है कि वह उसके साथ हुई ठगी की शिकायत लेकर पुलिस के पास गया तो पुलिस अधिकारी ने उसे कहा कि ये तो तुम्हारा फॉल्ट है। अब जितेंद्र कानूनी मदद के लिए दूसरे प्रयास कर रहा है। SBI क्रेडिट कार्ड से फोन आया था, बोले मुंबई ब्रांच से बोल रहे हम जी। तो मैंने, उसने बोला कि आपके यहाँ ना लिमिट बढ़ा दी जाएगी क्रेडिट कार्ड की, और आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, अन्यथा हमें कुछ नंबर नहीं बताओगे। तो मैंने नंबर बताया उसे क्रेडिट कार्ड के, फिर आगे से SBI क्रेडिट कार्ड का मैसेज सेंड हुआ मेरे पास। तो मैंने उसको, उसने बोला कि जो आपके पास नंबर आया है मैसेज में, वो मुझे बताया OTP नंबर। तो मैंने उसको 6 डिजिट के नंबर आए थे वो बता दिया। तो फिर करीबन 15-20 मिनट बाद उनने मेरे ना 2 बार 9,999 के 2 मैसेज आए। तो मैंने उसको वापस फ़ोन करा कि भैया आपने मेरे पैसे क्यों उड़ाए, बोले कि आपकी लिमिट बढ़ा दी गई इसीलिए उड़े। तो मैंने, नहीं मेरे को तो लिमिट नहीं बढ़वानी, मेरे पैसे वापस मेरे को चाहिए, रिफंड चाहिए जी। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी आपके रिफंड कर दूंगा, इसमें टाइम लगेगा। फिर आए नहीं मेरे पास रिफंड, और फिर मैं बैंक वाले के पास गया, क्रेडिट कार्ड वाले के पास। तो उन्होंने बोला कि आपके साथ ठगी हुई है ये, और तो मैंने मेरा बैलेंस भी 0 करा दिया। और अभी फ़ोन आते मेरे पास क्रेडिट कार्ड वालों की, क्या आपका अकाउंट करीबन कितने पैसे, करीबन 20,000 है ऑनलाइन। आपको कब पता चला इसका? मेरे को उसी टाइम 15-20 मिनट बाद पता चल गया था। कौन सा बैंक था आपका? SBI के लोको वर्कशॉप है। और आप रिपोर्ट कराई? रिपोर्ट कराई है मैंने। तो कर दर्ज कर ली थी पहले? तो उस टाइम तो दर्ज नहीं करी, कि वो थाने पे गया था तो अधिकारी ने बोला कि ये तो आपकी फॉल्ट है, आप इसमें कुछ जिम्मेदारी नहीं है हमारी, आपके ऊपर है ये। तो ठगी कब हुई थी आपके साथ? ठगी 30 तारीख को हुई है, 6 महीने। तो आपको कब पता चला? रिपोर्ट आपने कब कराई? मैंने रिपोर्ट दूसरे दिन, तीसरे दिन गया था, तो उन्होंने रिपोर्ट करने से मना कर दिया। तो भी मैं, एक वकील है मेरे भैया, उन्होंने बोला कि SP को दे देंगे अपन, SP को दी, SP के वहाँ से भी कार्रवाई नहीं। फिर मैंने सूचना आयोग में भी दी है जी, उसके थ्रू, और उसके थ्रू भी नहीं हुई है। अभी परिवादित डाला है मैंने कोर्ट में, तब हुए, उसके थ्रू हुई है। ठीक है, आपका नाम? जितेंद्र।
चोरों ने बोला साउंड सर्विस की दुकान में धावा, ताला तोड़कर ले उड़े 50,000 का माल। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। पुलिस से बेखौफ चोरों ने एक साउंड सर्विस की दुकान पर धावा बोलकर 50,000 रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान की चपत लगा दी। चोरों ने बीती रात मील रोड स्थित आबकारी पुलिस थाना के नजदीक जय अम्बे साउंड सर्विस में धावा बोला। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को समेटा और चलते बने। सुबह रहगीरों ने दुकान के टूटे पड़े ताले देखकर दुकान मालिक को जानकारी दी। दुकान मालिक ने सिटी पुलिस को चोरी होने की घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। दुकानदार भोलाभाई ने बताया कि चोर दुकान से 400 वाट की साउंड टेस्ट मशीन, 2 इको मशीन, 8 आउजा कंपनी के माइक सहित अन्य सामान चोरी करके ले गए हैं। चोरी हुए सामान की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। मेरा नाम भोलाभाई है और ये टीवी की दुकान है और ये टीवी रिपेयरिंग की दुकान है। 15 साल से यह काम करता हूँ और कल रात को मैं 7-8 बजे के लमसम दुकान मंगल करके गया और सुबह मेरे को किसी पड़ोसी का फोन आया था तो आके देखा था कि आपका दुकान का लॉक टूटा हुआ पड़ा है और यहाँ से आके देखा तो सारा मतलब 400 वाट मशीन आ जाएगी और 8 माइक की लीडें, इको मशीन और बॉक्स, ये सारे आइटम गायब थे और शटर मतलब करीब कितने हजार का नुकसान मान रहे आप? 50,000 के लमसम का नुकसान हुआ। ठीक है सर, मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया और मौके पे पुलिस आके गई है और मुकदमा करके गई है। गंज थाने के पास पेवर रोड सड़क का किया गया शुभारंभ। राज्य मंत्री देवनानी और हेड़ा ने किया शुभारंभ। गंज थाने के पास बनने वाली पेवर रोड का शुभारंभ किया गया। राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी और एडी अध्यक्ष व राज्य मंत्री शिवशंकर हेड़ा ने सड़क कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। आज हमारे अजमेर उत्तर के वार्ड 6 में अपना चौक है स्कूल के पास में, गंज के बॉयज स्कूल के, और साथ में सड़क है, उसके नालियां हैं, उसमें हमारे एडीए के माध्यम से 15 लाख के काम की आज स्वीकृति हुई है और इसके साथ 37 लाख रुपए की नालियां भी स्वीकृत हुई हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी राहत होगी और यहां के काफ़ी वर्षों से समस्या थी, उसमें पार्षद महोदय का प्रयास, मेरे प्रयास के आग्रह पर एडीए ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। फिर मैं एडीए को भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास का संकल्प लेकर के राजनीति के अंदर काम कर रही है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जब भी हर वार्डों के अंदर और ग्रामीण अंचल के अंदर जो अजमेर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पंचायतें आती है, इन सब के अंदर हम विकास के कार्य करा रहे हैं। अभी वार्ड नंबर 6 के अंदर यहाँ हमारे पार्षद भी हैं धर्मपाल जी, इनका आग्रह था कि यहाँ पे कुछ विकास के कार्य किए जाएं, कुछ रोड्स वगैरह बिल्कुल ख़राब हो रखी है। जहाँ अपन यहाँ पे बैठे हैं ये रोड्स भी बहुत ख़राब हो रखी थी, तो यहाँ पे इस रोड्स के लिए 15 लाख की हमने सेंक्शन दी और आज उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। शीघ्र ये पूरी होगी तो निश्चित रूप से यहाँ के निवासियों के लिए ये एक अच्छी वरदान साबित होगी। और इसी तरह से हम इस ये कार्यक्रम जब भी किया है, इसके बाद में हम वार्ड नंबर 1 में जा रहे हैं और वार्ड नंबर 1 के अंदर कोटरा के अंदर एक नाले का शिलान्यास, उस नाले की वजह से काफ़ी परेशानी होती है, जब बारिश के अंदर पानी आता है तो आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है, उसको हम पूरा पक्का करके और अच्छा उसको बनाने के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर भी करीब हम 36 लाख रुपये उसके ऊपर व्यय होंगे। इस तरह से विकास के कामों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी पीछे नहीं है। टाटा पावर ने की उपभोक्ताओं की जन सुनवाई, 35 मामलों का किया निस्तारण, आगे भी होगी जन सुनवाई। उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए 1 महीने में दूसरी जन सुनवाई की गई। उपभोक्ता जन सुनवाई के दौरान टाटा पावर के सभी बड़े अधिकारी उपस्थित थे। जन सुनवाई में उन सभी 35 मामलों का निस्तारण किया गया जिन्हें पंजीकृत किया गया था। टाटा पावर के अधिकारियों के अनुसार आगे इसके साथ ही दीपावली पर्व पर बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है, जिससे दीपावली पर लोगों को रोशनी संबंधी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मेरा नाम शंकर लाल है और मैं राजू होटल के यहाँ से आया हूँ। मैंने पिछले 1 साल तक बिल नहीं भेजा और भेजा तो एक साथ ही भेजा, 1,10,000 रुपये करीब जो भर दिया। फिर उसके बाद में फिर मीटर चेंज कर दिया, अब फिर मीटर चेंज करने के बाद में फिर बिल नहीं आ रहे थे। 2 महीने आए बिल, उसके बाद बिल आना बंद कर दिया। फिर अब बीच में मैसेज आया तो मैसेज से मैंने बिल भरा, फिर बोले कि मीटर चेंज कराओ, तो हम मीटर चेंज कराने के लिए आए यहाँ पर। अभी कितना बिल है? अभी 7,520 रुपये।
आपके एजेंसी में आपकी कुछ सुनवाई होगी आपकी? अब ये तो यहाँ पर आने पर मालूम पड़ेगा, सुनवाई होगी नहीं होगी। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, उनकी समस्याओं का शीघ्र मौके पर निस्तारण करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार एक जन सुनवाई का आयोजन पिछले माह 23 तारीख को किया गया था और आज इसी क्रम में पुनः जन सुनवाई की जा रही है। इसमें जो पूर्व में अपनी शिकायतें देकर पंजीकरण करा चुके हैं, ऐसे लगभग 35 उपभोक्ता थे, उनकी करीब अधिकांश शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है और अभी जो यहाँ पर अपनी शिकायतें लेके उपभोक्ता आ रहे हैं उनको भी उच्चाधिकारियों द्वारा सुनकर और मौके पर ही तात्कालिक निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है। दिवाली फेस्टिवल है और बड़ा त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, इसके लिए टाटा पावर विशेष रूप से व्यवस्था रखेगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं अन्यथा ब्रेकडाउन नहीं हो और बिजली की व्यवस्था लगातार उचित वोल्टेज पर बनी रहे। मेरा नाम जनार्दन शर्मा है, मैं यहाँ पर सुरक्षा संबंधी मामलों में सलाहकार हूँ। खबर विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें horizonhind.com। सच के साथ।